गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप इस तरीके की एकदम खराब सी भी फोटो को इतना मस्त तरीके से एडिट कर सकते हो, वो भी पिक्सार टाइप का यूज करके। एंड सिर्फ एडिट ही नहीं, आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से ब्लर भी है एंड कितना अच्छा बैकग्राउंड के अंदर इफेक्ट भी आ रहा है। देख पा रहे हो कि डार्क ब्लैक सा इफेक्ट है। एंड इस तरीके की फोटो एडिटिंग करना एकदम आसान है, मतलब कि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही वीडियो के अंदर आपको इतना कुछ सिखाया जाएगा। बहुत सारी वीडियो है लेकिन इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, आप 100% सीख जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड गैलरी से हमने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इस फोटो को सिंपल से सेंड पे क्लिक करके ओपन कर लेना होगा पिक्सार्ट ऐप के अंदर। एंड ये रहा मेरे पास फोटो, मतलब पिक्सार्ट ऐप। अगर आपके फोन में पिक्सार्ट ऐप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। पिक्सार्ट ऐप के अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो हम इस फोटो के अंदर अभी हम करेंगे रिसाइज, फोटो को रिसाइज करना है। फोटो को रिसाइज करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी फोटो को सेव करोगे, मतलब लाइक एडिट कर लोगे, उसके बाद फोटो को सेव करोगे गैलरी में, तो आपकी फोटो की क्वालिटी कम ना हो। इसके लिए गाइस सबसे पहले हम फोटो को करेंगे रिसाइज। इसके लिए हम रिसाइज पे क्लिक करेंगे, रिसाइज पे। देन यहाँ से इसकी विड्थ को हम 6000 डाल देंगे कुछ इस तरीके से एंड यहाँ रिसाइज पे क्लिक करेंगे। अब इस फोटो की जो एक्चुअल विड्थ है वो है 2697, यहाँ पे आपको रिकमेंड हो जाएगा 2697। देन यहाँ रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। अगर ये नहीं होगा तो सिंपल से आपको 7 की जगह 6 लगा देना है, मतलब कि कोई भी डिजिट एक कम करके लगा देना है, ठीक है। अब आप फोटो को देख पाओगे कि हमारा फोटो जो है रिसाइज हो चुका है। अभी हम इस फोटो के अंदर ना लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे इस टूल वाले ऑप्शन में, यहाँ से एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट पे कुछ इस तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल हल्का सा इंक्रीज करेंगे। यहाँ हम क्लैरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लगभग +7 के आसपास। एंड हाइलाइट्स को कम कर लेंगे, ठीक है। हाइलाइट्स को लगभग आपको -16 के आसपास या -15 कर लेना है। यहाँ मिल जाएगी आपको शैडोज, शैडोज को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज भी रख सकते हो, +5 की तरफ हम इसको रखेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि शैडोज कुछ इस तरीके का अभी जो है दिख रहा है। शैडोज में इतना हो जाने के बाद काम आपको सिंपल से यहाँ डन पे क्लिक कर लेना है, ओके। ये देख पा रहे हो कि अभी फोटो कुछ इस तरीके की दिख रही है एंड फोटो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बवाल लग रही है। तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से टूल्स पे जाना है, यहाँ से दोबारा एडजस्ट में जाना है। यहाँ हम सेचुरेशन को कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है, सेचुरेशन बढ़ा देना है। देन आपको यहाँ से करना है, यहाँ आपको जाना है टेम्प वाले ऑप्शन में एंड टेम्प को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा प्लस साइड की तरफ इस तरीके से रख देना है, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको इस इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ इन्वर्ट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो, या फिर इन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ से आपको इरेजर लेना है, थोड़ा सा हार्डनेस को बढ़ा देंगे एंड फोटो को जूम करना है। ऐसे गाइज आपको अपने स्किन से इसको इरेज कर लेना है। अब आप देख पाओगे कि आपके स्किन पे जो जो रेड कलर होगी, मतलब आपकी स्किन पे रेडनेस होगी, वो सारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने स्किन पे इसको चला लेना है ताकि आपके स्किन से रेडनेस जो है हट जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। बाकी इसको आपको अपने हैंड पे चलाना है इस तरीके से एंड आपको अपने स्किन पे लाइक फेस पे चला लेना है, लेग पे चला लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो कि हमारे फोटो के अंदर जो स्किन पे रेडनेस थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये देख पा रहे हो हमने इतना चला दिया एंड अब देखो फोटो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इतना काम कर लेने के बाद आपको यहाँ से पहले ध्यान से देख लेना है, जहाँ जहाँ अभी रेडनेस हो वहाँ चला लेना है एंड यहाँ से इसको डन कर लेना है, ओके। एंड यहाँ पर हम डन पर क्लिक करते हैं। एक बार फोटो देखो, ये रही बिफोर एंड ये रही आफ्टर। अभी आपको फोटो के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी हमारी फोटो के अंदर ना ज़्यादा एडिटिंग नहीं हुआ है। तो अब जो आती है मेन चीज़, अब आपको जाना है यहाँ से ब्यूटी वाले ऑप्शन के अंदर एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में ना एक भी स्टेप को मिस मत कीजिए, नहीं तो आप अपनी फोटो को बिल्कुल अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ से जाना है स्मूथ वाले ऑप्शन पे एंड स्मूथ वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप अपनी फोटो में फेस को स्मूथ करना चाहते हो। गाइस कौन मतलब फेस को स्मूथ करना नहीं चाहेगा अपनी फोटो के अंदर, आपको भी पता है फेस स्मूथ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी भी ऐप से अपनी फोटो को एडिट करो, ठीक है। तो फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ से इसकी अमाउंट हम थोड़ी सी कम कर लेंगे, लगभग हम इसकी अमाउंट इतना रख लेते हैं एंड इतना परफेक्ट लग रहा है एंड इसको सिंपल से यहाँ डन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से जाना है स्किन टोन पे। स्किन टोन में लाइक जो भी आपकी स्किन टोन आपको रखना हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग का मतलब स्किन कुछ इस तरीके से डार्क होगा, अब उसको आप फेयर बनाना चाहते हो, सिंपल से आप यहाँ से जो मर्जी करे सिलेक्ट कर लो। मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा फेयर नहीं रखना है। ये देखो बिफोर एंड ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अभी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा लेकिन अभी फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सिर्फ एक स्किन टोन को चेंज करने की वजह से। अब आपको सिंपल से यहाँ डन पे क्लिक कर लेना है, ओके। अब इस फोटो के अंदर ना हमें डार्क कलर को ऐड करना है। इसके लिए हम जाएंगे सिंपल से इफेक्ट्स वाले टूल के अंदर एंड यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट्स मिल जाएगा, इफेक्ट्स, BMW, ब्लर, ये स्केच, कलर्स। तो आपको सिंपल से पहले कलर्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है।
कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ एक कलर स्प्लैश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये प्लस का आइकॉन जो दिख रहा है ये आपको अपने स्किन के सबसे डार्क वाले एरिया पे लाकर कुछ इस तरीके से रख देना है, ठीक है। अब मीन ह्यू जो आपको दिख रहा है इसे आपको पूरा राइट साइड की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। मैक्स ह्यू जो आपको दिख रहा है इसे आपको लेफ्ट साइड की तरफ करना है, लेकिन इसे आपको ज़्यादा कम नहीं करना है, नहीं तो आपके स्किन पे लाइक कपड़ों पे कुछ इस तरीके का इफेक्ट आने लगेगा। एक बार ये देखो कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है क्रिएट होने लगेगा जो कि फोटो को बेकार कर रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब जब तक आपके स्किन वगैरह पे और कपड़ों पे इफेक्ट ना आए इतना ही रखना है, ठीक है। अब बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पार्ट रह गया इसको कैसे ब्लैक करना है। इसके लिए पहले हम इस फोटो को यहाँ से डन कर लेते हैं। अब आपको जाना है टूल्स वाले आइकॉन पे, दोबारा जाएंगे हम एडजस्ट में एंड यहाँ से पहले सेचुरेशन को कम कर लेना है, ठीक है। अब आपको इस प्लस सॉरी इरेजर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, इन्वर्ट कर लेना है फोटो को कुछ इस तरीके से, जूम करके ऐसे आपको चला देना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि जहाँ जहाँ भी हम चला रहे हैं ये जो है जगह डीसेचुरेट हो रहा है, मतलब कि ये पहले से फोटो के अंदर देख पा रहे हो कि कलर्स दिख रहा था, अभी ये ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको चला लेना है बहुत ही ध्यान से, ताकि आपकी फ़ोटो में कहीं भी ये सब कलर्स ना दिखे, ठीक है। तो अभी मैं बहुत ही ध्यान से चला रहा हूँ, आपको भी कुछ इस तरीके से इस इरेजर को चला लेना है, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ हेयर पे भी देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट जो है दिख रहा है, हेयर पे भी हम कुछ इस तरीके से इसको चला लेते हैं साइड साइड से, ठीक है। तो जहाँ भी आपके लगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ इफेक्ट दिख रहा है इसको हटाना है, सिंपल से आपको ऐसे चला देना है, ठीक है। तो ओवरऑल गाइज हमने अपनी फ़ोटो के अंदर से पूरा इस इफेक्ट को हटा लिया एंड देख पा रहे हो कि अभी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ़ोटो के अंदर ना पूरा डार्क ब्लैक सा टोन आ गया है, ठीक है। तो ये देखो इसको सिंपल से यहाँ डन पर क्लिक करेंगे, ये देखो बिफोर एंड ये देखो आफ्टर, तो फोटो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी, लेकिन अभी हमारी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ से इसको सिंपल से हम डन पर क्लिक करेंगे, एक बार बिफोर की फ़ोटो देखना एंड ये एक बार आफ्टर की फ़ोटो देखना, फोटो दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। अभी हम इसको सिंपल से इस ड्रॉ वाले टूल पर क्लिक करेंगे, ड्रॉ टूल के अंदर जाएंगे, इस लेयर पर क्लिक करके मर्ज कर लेंगे, ठीक है। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी फ़ोटो फुल HD में सेव नहीं होगी। अब आपको ऐसे इरेजर को लेना है, कहीं भी ऐसे ड्रॉ करके थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है, सेव इमेज कर लेना है। अब ये फोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी, लेकिन अभी हमारी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इस फोटो को अभी हम ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर, तो अभी हम लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। गाइज हमने इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लिया, जिसको अभी हमने पिक्सआर्ट ऐप से एडिट किया था। अब आपको इस लाइट वाले टूल पर क्लिक करना है, या हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे एंड वाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से, देखो मेरा ऐप जो है क्रैश हो रहा है तो मैं इसको दोबारा से ओपन कर ले रहा हूँ। तो गाइस यहाँ कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है, कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद टेम्प को थोड़ा सा माइनस से रखना है, लगभग आपको -4 कर लेना है एंड इतना सेटिंग हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से मिक्स टूल के अंदर चलना है, ठीक है। मिक्स टूल के अंदर हम चलते हैं कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से आपको ये ऑरेंज वाले कलर को लेना है, यहाँ इसका सेचुरेशन थोड़ा सा कम कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ लुमिनेंस को हम थोड़ा सा प्लस साइड की तरफ रखेंगे, यहाँ रेड वाले कलर का सेचुरेशन कुछ इस तरीके से हम बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि लिप्स पे जो है कलर आ जाए एंड बाकी ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का सेचुरेशन कुछ इस तरीके से कम कर लेना है, येलो कलर है इसका सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना फोटो में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है एंड यहाँ से हम ब्लू कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर को कुछ इस तरीके से इतना रखेंगे एंड यहाँ से इसको डन कर लेंगे, ठीक है। अब देख पा रहे हो फोटो के अंदर इतना काम हो गया, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर आना है, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्लैरिटी को -2 कर लेना है, DH को भी बढ़ा लेना है, विग्निट को हल्का सा कम करना है बिल्कुल लगभग इतना एंड मिड पॉइंट को भी कम एंड यहाँ फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। अब आपको इस शार्पने मतलब ये डिटेल वाले ऑप्शन के अंदर आना है, शार्पनिंग को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है, ठीक है, लगभग इतना आपको रख लेना है, ठीक है, लगभग 45 या 44 के आसपास एंड यहाँ हम नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, ताकि हमारा स्किन जो है अच्छे से स्मूथ हो सके, तो नॉइज़ रिडक्शन को हम ज़्यादा नहीं रखेंगे एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा लेना है, ताकि आपके कलर में जो भी नॉइज़ हो वो सारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। बाकी डिटेल्स को बढ़ा लेंगे एंड इस ऑप्टिक्स वाले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को आपको सिंपल से ऑन कर लेना है। एक बार फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बिफोर एंड ये देखो आफ्टर, फोटो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है एंड इस तरीके की फ़ोटो एडिट करना एकदम आसान है। आपको जो मैंने स्टेप बताया आप बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिए, आप भी अपनी फोटो को सेम टू सेम इस तरीके का एडिट कर पाएंगे। अब आपको शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करके फोटो को कर लेना है गैलरी में सेव। सो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।